यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और हमारे साथ में मौजूद है कुछ लेडीज इन्वेस्टर जो आपा के सपोर्ट में आज आए थे, आपा को देखने के लिए आए थे। देख सकते हैं कितनी सारी लेडीज लोग खड़े थे और भी लेडीज लोग उधर पे खड़े हैं, ठीक है। वो आना नहीं चाहते कैमरे के अंदर। बात करेंगे नाजमा आपा से। हाँ जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। बीपीएन न्यूज़ के ज़रिए मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि आज हज़ारों की तादाद में यहां आपा का एक दीदार के लिए लोग यहां पर हाजिर हुए थे, आपा को देखे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा की थोड़ी तबीयत सफ़र करने की वजह से नासाज लग रही थी, दुआ करिए नॉर्मल हो जाए, वो तो सफ़र की थकान है, इंशाल्लाह उतर जाएगी। और हमारे हक में हर जगह से बेशुमार बेल हमको मिल चुकी है और सबसे बड़ा फैसला हमारे हक में आया है तेलंगाना से। तो ये जो अफवाहें उड़ाई जाती है कि कुछ मुखालफिन जो बोलते हैं वो सच होता है, तो मुखालफिन तो हमेशा ये भी बोलते थे कि बेल होगी नहीं, SFIO में मैटर जाएगा नहीं। तो आप लोग उनकी बातों को सुनकर अगर अपने आप को परेशान करते तो आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह अब ये जो महाराष्ट्र का रह गया है ये भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द क्लियर हो जाएगा। और आपा ने भी ये कहा है, नुमान भाई से भी बात हुई माशाल्लाह, कि सब लोग जैसे सब्र बनाए हैं और यूनिटी बनाए वैसे ही रहिए, इंशाल्लाह जल्द यहाँ से भी मैटर पूरा मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएगा और हक की जीत होगी। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज सपोर्टर्स इंतज़ार करते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डेट की वजह से हम नर्वस भी हो जाते हैं, तो मैं सारे हीरा गोल्ड के लोगों से एक कुछ बात कहना चाहती हूँ कि गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे दोनों जहाँ गमे कारवां, गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे दोनों जहाँ गमे कारवां, मेरी हर नज़र तेरी मुंतजिर तेरी हर नज़र मेरा इंतहा। तो इस शेर देखो, इस शेर में समझने की ये बात है कि आज हम लोग इम्तिहान देते देते जहाँ तक आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए, तो ये एक आखिरी हमारा फाइनल एग्जाम बाकी है, इसमें भी हम जरूर कामयाब होंगे, आपा जरूर कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फाइनल एग्जाम। और हमारे साथ में नहीं बोलने का, हमारे साथ में मौजूद है नरगिज आपा। इनकी भी देखिए तबीयत है ना खराब रहती है, तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के थ्रू कि आप सब लोग इनके लिए दुआ कीजिए। फिर भी आए हैं, ये हैदराबाद में भी गए थे, यहाँ पे भी आए हैं सिर्फ आपा की मोहब्बत में, आपा की चाहत में। क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरे जितने भी तबीयत कैसी है? ठीक, पहले से काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का एहसान है। आपा को देख के कुछ और अच्छी हो गई? जी बिल्कुल, 2-3 लीटर खून बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। और BPN न्यूज़ के माध्यम में मेरी आवाज़ पहुंचाती हूं, जो नौमान भाई का सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि हर वक्त और हर जगह पे एक भाई की तरह खड़े रहे और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। और अब आती हूं मैं उन तमाम हीरा गोल्ड इन्वेस्टर जो आज हीरा गोल्ड फैमिली बन चुकी है, और बहुत बड़ा आप लोगों का एहसान है। मैंने जैसे कि पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को कहती रही हूँ कि आप लोग मेरी हिम्मत हो, जब आपको मैं देखती हूँ सब्र से आप रहते हो, आपके घरों में निवाला नहीं है, आपके घर के बच्चे बोले तो नंगे घूम रहे हैं, घर के भाड़े के बोले तो पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मुस्कुराते हो, हंसते हो और मुझे दिलासा देते हो, तो वो देख के मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। और शायद आप लोगों की ही हिम्मत से मैं अपनी बीमारी से भी लड़कर और आप लोगों के बीच फिर आ जाती हूँ। तो मैं उन तमाम हीरा गोल्ड इन्वेस्टर और जो आज फैमिली है मेरे, मैं जैसे आज तक आप लोगों ने सब्र बनाए रखा और हम लोगों की हिम्मत बढ़ाए रखी, तो उसका आप लोगों का सब्र का रिज़ल्ट देख लीजिए। तेलंगाना का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, देर आए लेकिन माशाल्लाह दुरुस्त आया। इसी तरह बॉम्बे का भी है, हालांकि नोहरापा की तबीयत काफ़ी नासाज है और नोहरापा ने यही कहा है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह जिसका जो भी है वो जैसे आएगी होगा। तो जहां आप लोगों ने 16 महीने का इंतज़ार किया है, इंशाल्लाह कुछ कदम और दूर है, हम लोग ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है और इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त का आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह यहां पे भी आज जैसे हम लोग खड़े हैं, आखिर तक हम सब एक साथ खड़े रहें लब्बैक करते हुए, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बरी होकर आएगी और आप लोगों की जो तमाम परेशानियां हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अज जल्द दूर होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो ये है नरगिस आपा, इनके लिए दुआ कीजिए और आपा नौहिरा शेख के लिए भी दुआ कीजिए। और हमारे साथ में एक और आपा मौजूद है, आपका नाम नहीं पता है, बताइए नाम। रशीदा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती थी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपा का, मैं उसे आपा नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरी बेटी की हम उम्र है, तो मैं उसे नौहिरा शेख ही कहूँगी। आज मैंने नौहिरा शेख को देखा, उसकी तकलीफों को देखा, और आज जो डेढ़ साल से वो तकलीफ मैंने तो आज देखी, लेकिन जो वो डेढ़ साल से उठा रही है, और जो डेढ़ साल से उसके इन्वेस्टर जो तकलीफ उठा रहे हैं, सुनने में आता है किसी के घर में खाना नहीं है, किसी को फीस नहीं है, किसी को रेंट नहीं है, किसी को दवा नहीं, किसी को घर नहीं, इतनी सारी तकलीफों का ये जो हालात जिसने भी पैदा किए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन जिसने भी ये हालात पैदा किए हैं, आज नौहिरा शेख का तो अल्लाह पाक हिसाब किताब बराबर करेंगे ही, और उसकी जीत होगी उसको देख कर मुझे लगता है। आज मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पे बाकायदा नूर मुझे दिखा, सच्चाई का नूर उसके चेहरे पे दिखा है, और उसकी जीत जरूर होगी इंशाल्लाह, और हम सारे इन्वेस्टरों के भी होगी, लेकिन जिन लोगों ने ये हालात पैदा किए हैं और हम लोगों को और नौहिरा शेख को इतनी तकलीफ में डाला है, क्या अल्लाह ताला वो रब्बे अजीम उन लोगों को छोड़ देगा? हाँ, वो रब्बे अजीम उन लोगों को छोड़ देगा? हमारा हदीस क्या है कि अगर बेसिंग की बकरी को भी अगर सिंह वाली बकरी ने मारा होगा तो वो भी अल्लाह ताला आखिरत में हिसाब दिलाएंगे? बेसिंग की बकरी को हिसाब दिला के फिर दोनों को पत्थर बना देंगे, तो क्या हमारा हिसाब हमारा अल्लाह ताला नहीं करेंगे? वो ये बात हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आए कि थोड़ा सबर करते, 3 महीना सबर किए थे, फिर 3 महीना और सबर कर देते तो शायद ये हालात जो आज है वो नहीं होते, हम आज सब अपने घरों में खुश खुशहाल होते जैसे पहले थे। लेकिन 1.5 साल से किसका फायदा हुआ? उन लोगों को भी पैसा मिला, कुछ खुशी मिली ऐसा हालात पैदा करके, उनको कुछ लड्डू मिला तो हमको बताओ कि हमको कुछ खुशी मिली है तो हमारी भी समझ में आ गई, यहाँ पे उनको ऐसा करके इतने लोगों को तकलीफ में डाल के वो खुश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे अगर कुछ भी जो भी होगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो कभी भी खुश रह पाएंगे। जिस लोगों ने ये हालत हमारी की है ना, अल्लाह ताला उनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे दिल की बात है। और मेरे साथ आप लोग ठीक है, शामिल है, हाँ, बोलो ना। क्या आप बोलेंगे? नहीं, बोले आ जाओ। और हमारे साथ में मौजूद है फरजाना आपा। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी खुशी की जगह पे हम लोग खड़े हैं, हमारी आपा मुंबई में है और बहुत खुशी महसूस हो रही है, आप लोग भी खुश रहिए क्योंकि हम लोग तो जंग जीत गए हैं, हम लोग जंग जीत चुके हैं और एक दीवार का फासला है, आपा हमारी दीवार के अंदर है, हम लोग बाहर हैं, हम आसमान के नीचे हैं, आपा छत जेल की छत के नीचे है, बस इतना ही फासला है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माशाल्लाह से हम लोग जंग जीत चुके हैं, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनकी उनकी बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 1-2-4 दिन की बात है, जैसा कि सबको पता है बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी आपा को सताने वाले जो इबलीस, खबीस, अबू जहल, शद्दाद, फिरौन, ये लोग हैं, ये लोग तो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, आप लोग को पता है। इसलिए अब मैं एक शेर के ज़रिए से नौहिरा शेख की अजमत का बयान करती हूँ। नौहिरा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, नौहिरा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, नौहिरा नौहिरा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में नौहिरा शेख जितने दिन से जेल में है बहुत तकलीफ है, मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं दुश्मनों को ये बता रही हूँ, तेरी बेहुर्मती का बदला हम लेंगे जरूर, तेरी बेहुर्मती का बदला हम लेंगे जरूर,
क्योंकि है दिलो जान से कुर्बान नौहेरा, क्योंकि है दिलो जान से कुर्बान नौहेरा। और ये कुछ कहना चाहेंगे जरा जल्दी? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा पैसा मिले या ना मिले, हम लोगों को ये कोई तकलीफ नहीं है। नहीं भी मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मिला तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नौहेरा शेख बाहर आनी चाहिए, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, बस। ठीक है, बंद करो।